to villain. जेल का तहखाना, खूंखार अपराधी हुआन, जेल का सबसे खतरनाक हिस्सा। अपराधी हूँ ये हूँ, तांग साम्राज्य के पहले राजा ली युआन। महाराज, वो चारों कैदी जिन्हें सजाए मौत मिली है वो भाग गए हैं और गलियों में लोगों को मार रहे हैं। महाराज का खास आदमी गांव दे जाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो जेल तोड़कर कैसे भागे। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। क्या तो जाओ उन्हें पकड़ो अभी। जी।
मास्टर, विलन्स भाग गए हमारे गेट पर पहुंचने से पहले ही। सारे गेट बंद कर दो, पता लगाओ। चीफ सेक्रेटरी ली शिमिन। जी। सेक्रेटरी का गार्ड चिलवू किन। ये जेल के गार्ड्स की लिस्ट है। चा हुआंग डेमिंग। शादी की डोली है। जल्दी कोर्ट चलो, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? मंत्री जियांग चुनलिंग। मर चुका है मास्टर। ये रास्ता तो तीन तरफ जाता है, तीनों अलग अलग जगह। ये अपराधी तो अब तक भीड़ में मिल गए होंगे। अगर हम आम लोगों को रोक लें और फोर्स के द्वारा पूछे तो सब डर जाएंगे। जाने दो, मेरे रास्ते से हटो। जा रहे हो तुम?
जरा हमें भी बताओ। मैं तुम्हें नहीं जानता पर जान जाऊंगा, शायद मुझे थोड़ी और शराब चाहिए तभी मुझे आराम मिलेगा। अरे धक्का दे दिया है। हाँ छोटी, ग्रैंडपा आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ? चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं सिर्फ इसे जानता हूँ मेरी सुई, अगर तुम्हें किसी ने दिक्कत दी तो मुझे बताना, उसकी गर्दन काट दूंगा मैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर ये मेरे ग्रैंडपा है, इनका नाम जोजो है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं इन्हें जानता हूँ, इसका नाम जुई है। तुम इन्हें जानते हो? ये नहीं जानते होंगे मास्टर, ये सच में नहीं जानते होंगे। ये मेरे दादा के सबसे छोटे बेटे हैं, मेरे दादा की शान, कल रात इन्हें फिट आ गया था और ये कहीं चले गए थे। हमने इन्हें रात भर खोजा, इनका इससे कुछ लेना देना नहीं। ए, चुप रहो। मेरा चिलियों के खानदान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक आवारा हूँ जो सबकी मदद करता है। मैं बहुत मददगार इंसान हूँ। ग्रैंडपा क्या बोल रहे हो, चुप रहो। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मैंने तो पी भी नहीं है। केन, किसी ने इस दुश्मन को पकड़ लिया है और इसे फ्रीज कर दिया है। मास्टर जोजो को मेरे महल में लेकर आओ। जी। इस लड़की को राजमहल ले आओ और किसी को भी इससे मिलने मत दो, कोई बात भी ना करे, समझे? कोई भी नहीं, जाओ। जी। चार पुराने मंत्री सड़क पर मारे गए। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि चंगन में आज से कर्फ्यू लग जाए, किसी को भी सूर्यास्त के बाद बाहर निकलने ना दे, शहर को सील कर दे ताकि शू यू का खूनी पकड़ा जाए। ठीक है पिताजी। मैंने सुना है कि वारदात की जगह पर खून से लिखा है भगवान का कहर। भाई, राजकुमार ली युआन जी, युवराज ली चिया चेंग, क्या है यह कहर? भगवान का कहर वहां लिखा हुआ नजर आया, मुझे नहीं पता, शायद भगवान कुछ कह रहे हैं। अगर सच में ये चेतावनी है हम लोगों के लिए तो। पिताजी, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। महाराज, इसके पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ है। इस बात की गंभीर चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो लोगों के साथ अन्याय होगा महाराज। पिताजी, मैंने पहले ही इनाम की घोषणा कर दी है ताकि खूनी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आ गया है। देखो, हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारा काम भी किया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम हमें पकड़कर ऐसे मारोगे। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। हाँ।
गुलाम। राजकुमार, वो भाग गया। ये बात किसी को मत बताना। अपनी कुंगफू स्किल से उसे अगली बार पकड़ लेना। जी। आखिर उसे जहर किसने दिया? टू विलन, तुमने इसे पकड़ा कैसे? पीछे जाके। ये कब हुआ? कुछ देर पहले। रुक जाओ, क्या तुम हु यूहू को पकड़ने में मदद करोगे? मैंने हमेशा सुना है कि स्वॉर्ड्समैन विला में उन स्वॉर्ड्समैन की तलवारें लटकती हैं जो कि नहीं रहे, और जो उन तलवारों की रक्षा करते हैं वो हैं बहुत ही प्रसिद्ध स्वॉर्ड्समैन लिंग टियान यू। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपसे मिला। तुमने दिल जीत लिया मेरा। पिताजी, नाटा दुश्मन मारा जा चुका है और हु यू कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं जांच पड़ताल करना चाहता हूं। मैं राजकुमार जाओ और तीसरे भाई को भी पूछना चाहता हूं कि आखिर चारों जेल की चाबी किसी को कैसे मिली। वो जरूर कोई अधिकारी से भी बड़ा आदमी है। मुझे शक है कि ये तीसरे भाई है। हुए, तुम्हें इसके लिए सतर्क रहना होगा, किसी और को पता नहीं चले। तुम और तुम्हारे भाइयों में प्यार है, इससे राज्य में शांति है। अगर किसी ने इस बात को लेकर तुम्हारे खिलाफ रॉयल कोर्ट में अपील कर दी तो मैं कानून नहीं बदलूंगा तुम्हें बचाने के लिए। जी। ली शिमन ने तुम्हें भेजा है? ये बहुत सुंदर है, पर जिसने तुम्हें छला है वो जरूर कोई मास्टर रहा होगा। मुझे ली शिमन से मिलना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ही क्लैन भेस बदलने में माहिर है। ये उनकी खास स्किल है जो यूनिक है। वो ऐसे ही किसी को धोखा नहीं देते। तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? मैं बहरूपिया हूँ, कैसे पता चला? मुझे कुछ तो अजीब सा लगा जब मैंने तुम्हें आज देखा। जिस तरह तुम देखती हो वो नेचुरल नहीं है। इसके अलावा आज ग्रैंडपा जोजो ने तुम्हें कोई और समझा। इतना काफी है प्रूफ के लिए कि तुम्हारे चेहरे में कोई तो बात है। मेरे एक्यूपॉइंट रिलीज करो, फिर मैं बताऊंगी।
दिमाग पढ़ने वाली एम्प्रियन गॉडेस, कहीं तुम उनके महल से तो नहीं? अच्छा बताओ, क्या ये हार तुम्हारा तो नहीं? हाँ, कितनी गर्मी है। थोड़ा जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से पैर दबाओ। क्या कर रही हो? अच्छे से मसाज करो। थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर। ग्रैंडसन का है? ग्रैंडसन का है? मास्टर चिल्लू, किन लेडी क्रिमिनल के पहरे पर हैं? लेडी क्रिमिनल वो कौन है? एक औरत जिसने गुनाह किया है। किन को बोलो यहाँ आए? नहीं, उन्होंने आपको जाने से भी मना किया है। मुझे मना किया है? नियम मैं बनाता हूँ, हट जाओ। किन, तुम जहां भी हो इसी वक्त यहाँ आओ। ये धुआं कैसा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मास्टर, मैंने उससे पूछने की कोशिश की। पूछने पर क्या पता चला? वो एम्प्रिन गॉडेस के महल से है और वो बागी ही क्लैन के साथ शामिल थी उत्तर में। तुम्हें कैसे पता? और वो शादी के कपड़े जहां थे, मुझे ये हार भी वहीं मिला। मेरी फैमिली पहले ऑर्चिड के हार का ट्रेड करती थी उत्तर में। मैं इस हार को देखकर बता सकता हूँ कि ये नकाशी की कला सिर्फ हीकलैंड की है, लिंगनैन में, और किसी को भी ये नहीं पता है। इस हीकलैंड ने लिंगनैन में हथियार उठा लिया था, बागी बनकर आम लोगों को मार डाला था। केन, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? शक है कि हीकलैंड के लिंगनैन से ये इन्वॉल्व्ड है। मैं ही क्लैन के बारे में छानबीन करना चाहता हूँ चंगन में। उसकी जरूरत नहीं है, हमें हो यू को खोजना है। मास्टर, ही क्लैन ही यू से ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। चलो जाओ। जी मास्टर। राजकुमार, क्या मैं आ सकता हूँ? उस लेडी क्रिमिनल ने अपने आप को मार लिया है। क्या कहा? वो तो ठीक थी जब मैं निकला। जब हम उसे खाना देने गए तो वो हमें मरी हुई मिली। वहीं जमीन पर जहर की शीशी पड़ी हुई थी। लेकिन मास्टर, केन, उसे बाहर निकालो, अंतिम संस्कार करो। जी। ली यू फेंग की तलवार। तुमने मुझे याद रखा दानवीर, लगभग 3 साल हो गए हैं जब लू योंग में हमें अलग होना पड़ा था, पर तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं कर्जदार हूं। आज तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। राज बदल गया है और तुम्हारा ओहदा भी। मैं दानवीर नहीं हूं। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बोलकर शर्मिंदा मत करो। और तुमने हमारी कितनी मदद की, तुमने हमारे लिए इस लड़की को भी पकड़ा। समझ में नहीं आता कैसे धन्यवाद करूं। इसकी जरूरत नहीं है दानवीर, वो तो बस एक इत्तेफाक था। तुम्हारे दादाजी जो उलझ गए थे, मुझे लगा मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि आखिर मैं भी सच जानना चाहता था।
मुझे नहीं पता आप किस तरह की मुसीबत में डालेंगे मेरे ग्रैंडपा। मुझे उनकी चिंता हो रही है। लगता है ये मर गए। मैं इससे पूछताछ करना चाहता था। हाँ, मुझे उससे पूछताछ करनी थी। यही क्लैन के साथ इन्वॉल्व थी और ये इस तरह का क्राइम है कि पूरे वंश पर इसका असर होगा। वो सब इसमें शामिल थे, जो कि एक राजकीय अपराध है। इसका मतलब उन चारों को छुड़ाने में वो शामिल थे? नहीं, तुम इन सब झमेलों से दूर ही रहो, इसमें मत फंसो। आजकल बहुत अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। मैं उन चारों विलन से लड़ा हूँ और मुझे पता चला कि उन्हें जहर दे दिया गया था, जिससे उनकी अंदरूनी ताकत खत्म हो गई थी और उनकी मौत तो होनी थी। वही हम सबके साथ होगा, क्योंकि हम सब सत्ता की लड़ाई के प्यादे हैं। हो सके तो चले जाओ और इन सबसे दूर रहो। मेरे परिवार को ये चिट्ठी दे देना और कहना मैं ठीक हूँ। काम के वजह से मैं उन्हें ये भेज नहीं पाया था। मेरे भाई हान को दे दोगे? मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। धन्यवाद। इन्हें मारा नहीं है, बस सो रहे हैं। मैं जानता हूं। अलविदा। चलो उठो। चलो आगे बढ़ते रहो। मेरा पीछा मत करो, मैंने तुम्हें देख लिया है। आप मेरा पीछा कर रहे हो, ये जासूसों वाली स्किल कब सीखी? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। ग्रैंडपा जोजो, ये सब बंद करो और अपने घर जाओ। यहां वहां देर तक मत घूमो। मैं क्यों जाऊं? मैं खोजबीन में मदद कर रहा हूं। मेरी बात मानो, आप अपने घर चले जाओ। और हाँ, सावधान रहना। तुम्हें डर लग रहा है क्या? है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आज आपका बर्ताव इतना अलग क्यों लग रहा है? अच्छा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमसे मैं क्या छुपाऊंगा? तुम बहुत शक करने लगे हो। अपनी जगह मत भूलो केन, तुम तो ढंग से बात भी नहीं कर पाते, इसीलिए अभी तक तुम एक सिपाही हो चीफ सेक्रेटरी के। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा भाई हान सुप्रीम कोर्ट में लग गया। तुम्हारा तीसरा भाई चू लियादोंग में जनरल सू के साथ युद्ध में है। और खुद को देखो, तुम्हें गुलामी करने के अलावा और कुछ नहीं आता। हो सकता है मैं ज्यादा चालाक नहीं हूं। मैं वो करता हूं जो मास्टर कहते हैं। मानता हूं कि मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं मास्टर के आम आदमी के मदद के प्लान को पसंद करता हूं और इसके लिए मैं उनका साथ दूंगा। ग्रैंडपा जोजो, आप अपने आप को इसमें मत फंसाओ। ये मामला राजघराने से संबंधित है। कोई भी राजकुमार अच्छे नहीं है, हम अपनी जान गंवा देंगे। Oh!
हम लोग एक होंगे, एक बड़े राजवंश की तरह, जैसे तांग वंश। सिचुन और कुनलून में कुछ खास लोगों को भेजिए सैनिकों की लाशों के लिए, और नाइन्थ मास्टर का भी पता कीजिए। सैनिकों के बारे में पता करो, नाइन्थ मास्टर के बारे में नहीं। ग्रैंडपा जोजो, आप अंदर नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। ये यहाँ पे ये कैसे आ गया? अपना मुंह बंद रखो। आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे किन की बात करनी है। मास्टर मैं जी राजकुमार, आप जा सकते हैं। जी मेरा ग्रैंड नेफ्यू चिलियोकिन मार्शल आर्ट्स में निपुण था किसी भी मास्टर की तरह। वो बस आपकी सेवा करना चाहता था। वो बहुत ही ईमानदार इंसान था, फिर भी आपके होते हुए वो दुश्मनों के हाथों मारा गया। आज सुबह जब मैं उठा तो वो इस दुनिया से जा चुका था। उसके शरीर पर 18 घाव थे। आपके इस महल में ऐसा कौन सा राक्षस है जिसने ये किया है? क्या आपको यह पता है कि आपके सेवकों ने मुझे नशे में सुला दिया था? आपको किन की जरा भी चिंता है? यह आपके पास समय नहीं उसके बारे में बात करने का, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय है यहां बैठ के कलाकारी करने का। चाहे आज मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे किन की मौत का जवाब चाहिए। किन को ऐसा क्या पता चल गया था जो उसे मार दिया गया? मुझे जवाब दीजिए। बकवास करना बंद करो। मुझे आज सुबह ही पता चला कि किसी ने तुम्हारा रूप लिया और किन को मार दिया। हम सब खूनी द्वारा बेवकूफ बनाए गए। आपके सेवकों ने इसीलिए मुझे बेहोश किया था ताकि मैं महल से बाहर ना जा सकूं। इस बारे में क्या आप कुछ नहीं करेंगे? ये खून बहुत ही चालाकी से हुआ है। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि वो दोबारा बाहर आए। मुझे तो लगता है कि वो खूनी इस वक्त इसी महल में है। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे सच बताइए। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं सच नहीं जान लेता।
जान के बदले जान कैसा रहेगा? यह तलवार लो और मुझे मार दो यहां पर। आपको क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा? अब मैं उस खूनी का पता खुद लगाऊंगा। चंगन इतना बड़ा नहीं है, यही इलाका है जहाँ डोलियां बिकती हैं, सब यहीं से डोली भाड़े पर ले जाते हैं, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता है? मुझे सच में नहीं पता सर, इन दिनों किसी की भी शादी नहीं थी, व्यापार भी बंद था सर इन दिनों, किसी ने भी डोली भाड़े पे नहीं ली शादी के लिए। तो मुझे सच बताओगे या मार दूं तुम्हें? मुझे नहीं पता सर। सच बोल नहीं तो रुक जाओ। ली दादा मेरे साथ चलो। ली दादा रुक जाइए, मुझे इस आदमी से जवाब चाहिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या बोला था? क्या वो किसके बारे में पूछ रहे थे मुझे? तुम अभी तक नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो। ली दादा, इन लोगों ने मेरे ग्रैंड नेफ्यू को मार दिया। जानता हूं उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मारा। जानता हूं मैं, मुझे उस खूनी को खोजना है, अपना बदला लेना है। उन्हें सबक सिखाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खूनी के पास अपनी डोली और उसे ले जाने वाले थे, उन्हें भाड़े पर लेने की जरूरत नहीं थी। कोई भी ये बात जाने, ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए इस तरह पता लगाओगे। वो मर गया तो क्या मुझे उसकी मौत का बदला लेने का भी हक नहीं है? किसी से मैं उसके बारे में पूछ भी नहीं सकता। अगर मैं उसका बदला नहीं ले पाया तो वो मेरा अपना था, ये कहने का मुझे हक नहीं है। कहां पर थे तुम कल की रात? मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, जब मुझे होश आया तो मैंने किन के बारे में पूछा, और मैं जैसे उसे ढूंढने के लिए निकलने वाला था किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। अब किसी भी हाल में मुझे उस खूनी को ढूंढ के रहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये काम हुई हु या किसी और का है, पर मैं किसी भी हाल में उस खूनी को छोड़ूंगा नहीं। ये हु तो खुद अपने ही जाल में फंस चुका है, वो मार्शल आर्ट्स में निपुण है, पर उसे भी जहर दे दिया गया। वो चांगन से निकलने के बाद कहीं छुपने की जगह ढूंढेगा, ना कि वापस आके अपनी जान जोखिम में डालेगा, और कोई ना कोई बेवकूफी भरा काम भी करेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी ऑर्चर्ड का हार देखा है? नहीं देखा। क्यों क्या हुआ? मास्टर मैंने इसे देखा है। जब मैं गली में गया था तो मैंने एक खिड़की के बाहर से सुना था कि किन चीफ से हार की बात कर रहा था। मेरी फैमिली पहले ऑर्चर्ड के हार का ट्रेड करती थी उत्तर में। मैं इस ऑर्चिड के हार से बता सकता हूँ कि ये यूनिक कार्विंग स्किल ही क्लैन की है। मुझे लगता है कि उससे खूनी का पता लगाया जा सकता है। क्या तुम जानते हो इस पेंटिंग वाली लड़की को?
हाँ मैं जानता हूँ इसे, इसका नाम तो जुई है, ये एक मास्टर हीलर है। ये मर गई क्या? ये लड़की क्रिमिनल है, जब तुम पिए हुए थे तो इसे छोड़ नहीं रहे थे। पर ये लेडी क्रिमिनल हो ही नहीं सकती, इसका नाम तो जुई है। जाने दो, ये जरूर कोई बहरूपिया रही होगी, जब तुम पिए हुए थे तो शायद उसकी शक्ल के कारण उसे जाने नहीं दे रहे थे तुम। ली दादा, आगे आप जो भी पता करेंगे उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। एक ये भी था, क्या तुम इसे पहचान सकते हो? मुझे ये किन की बॉडी के पास मिला था। मेरे बड़े भाई के चार ग्रैंडसन थे जिनका नाम था किन, हान, चू और सबसे छोटे का वेई। हान अब सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी है, वो किन के काफी करीब था। चिल्युहान, तुम यहां सिर्फ चेस खेलने तो नहीं आए हो? अगर तुम मेरे बड़े भाई के बारे में जानना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, किन ने चीफ के यहां काम करना शुरू किया था, आपके जैसे ही घर से है, वहां जरूरत तो नहीं थी, फिर वो एक सैनिक क्यों बन गया? ये 4 साल पहले गर्मियों का वक्त था, उस वक्त महाराज सोई राजा हुआ करते थे। चीफ सेक्रेटरी ने खुद मेरे भाई को चुना था और उन्होंने ताइयोन से सीधे एक आर्मी भेजी और चंगन पर हमला कर दिया। बड़े भाई चीफ की तरफ से थे और जब उन्होंने तांग साम्राज्य बनाया, बड़े भाई बहुत ही साहसी हुआ करते थे, हम सबको उन पर नाज था। जब आपने मुझे उनका पत्र दिया तो मुझे लग रहा जरूर कुछ गलत हुआ था। इतने साल हो गए पर बड़े भाई ने इस तरह पत्र कभी नहीं लिखा। उसकी तलवार युद्ध में लहराती थी, उसका ताज आसमान में ऊंचा रहता था, उसका ऑरा युद्ध में हिम्मत देता था। वादी की हवाएं उसे साथ ले गईं। मेरा दानवीर किन बहुत ही भरोसेमंद था, वो गुणवान था, देशभक्त था, राष्ट्रप्रेमी भी था, वो इस तरह मर नहीं सकता है। मैं इसके पीछे का सच जानना चाहता हूं। जांग मोसियांग की कविता जैसे योद्धाओं के लिए थी, वैसे ही आपने मेरे भाई का गुणगान किया। मुझे यकीन है कि मेरे बड़े भाई आज बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, डेप्यूटी चिलियो। अच्छा, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो चेस बोर्ड की तरह बना हुआ है, बहुत जटिल है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ कुछ दिनों के लिए? चिंता ना करें, ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा, इसे कोई चुरा नहीं पाएगा और फिर मैं इसे सुलझा भी दूंगा। विश्वास करो, मैं ग्रैंडपा जोजो से ज्यादा भरोसेमंद हूँ। मास्टर, मंत्री ओयू सिंह। रिचुअल के मंत्री ने रिजाइन किया है, उन्हें लगता है कि अब वो मारे जाएंगे। कार्य मंत्री ने भी कहा है कि वो भी शायद मारे जाएंगे। आधे से ज्यादा राज मंत्री रिटायर होना चाहते हैं। महाराज। गदेजोंग, तुम इतने घबराए क्यों हो? क्या बताऊं महाराज, रिचुअल के मंत्री अब नहीं रहे।
मंत्री वु डेवेन। महाराज, जनरल कुयोंग और जनरल योंग फोंग दोनों ही नहीं आ पाए आज सुबह, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है और राजनीतिक तंत्र के मंत्री लु योंग को जुकाम हो गया है, इसलिए वो भी नहीं आ पाए। चांसलरी के मंत्री ली ली ने आज छुट्टी मांगी है, उनके पैर में दर्द है। और सुप्रीम कोर्ट के डिप्यूटी चिल्युहान भी घर पर हैं, क्योंकि उनके भाई। बहुत हुआ महाराज। खड़े हो जाइए। रिचुअल के मंत्री ने कल ही मुझे एक पत्र भेजा था और कहा था कि अगली बारी उन्हीं की होगी। नतीजा, वो सच में मारे गए। आज रॉयल कोर्ट के सभी मंत्रियों ने छुट्टी या फिर रिटायरमेंट की अपील की। मैं सब मंजूर करता हूं। घर जाओ तुम सब लोग। पिताजी, सिर्फ राजतंत्र के लोग ही नहीं, पूरा चंगन अब खाली हो गया है। लोग या तो अपने घरों में छिपकर बैठे हैं या वो शहर से भाग गए हैं। ये एक तालाब के सड़ते हुए पानी की तरह हो गया है। तांग साम्राज्य नहीं बचेगा। शहर खाली है। पिताजी, दूसरे भाई जिम्मेदार हैं इन सभी मंत्रियों के मौत के, क्योंकि वही चीफ सेक्रेटरी है फौज के। भगवान के कहर वाली बात अब तक साबित नहीं हुई है, लेकिन खून होने का सिलसिला अब तक जारी है। हमारे सारे मंत्रियों को अब डर लगने लगा है कि अब उनकी मौत ना हो जाए। वो हर रोज दहशत में रहते हैं। हर कोई डरा हुआ है कि अब उनकी बारी तो नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो आम जनता की क्या बात है। मुझे लगता है दूसरे भाई को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं चांगान का कोना कोना छान लिया और उसे कहीं नहीं पाया, ना जिंदा और ना ही मुर्दा। मैं बड़े भाई और तीसरे भाई से पूछना चाहता हूं, यदि उन्हें कुछ पता हो तो। पिताजी, क्या आपने सुना? इन्होंने अभी कहा कि यदि बड़े भाई और तीसरे भाई को कुछ पता हो तो। मजले भाई, क्या आपको मुझ पर शक है? आप इस चीज को अब तक साबित नहीं कर पा रहे हैं और आप डरते क्या फंस जाओगे, इसलिए आपने मुझ पर आरोप लगा दिया। वाह, क्या बात है मजले भाई, क्या बात है। मजले भाई खूनी को नहीं पकड़ पाए और युवराज पर शक, ये तो घोर अपराध है। युवराज का अपमान है और इस अपमान के लिए मौत की सजा होनी चाहिए। मजले भाई, अगर आप सच में इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं तो दोषारोपण करने से अच्छा आप इस्तीफा दे दें इस पद से।
आओ थोड़ा मेरे साथ पियो। इस तरफ मेरे दोस्त। सिर्फ यही एक मदिरालय है चांगंग में जहां स्वॉर्ड्समैन इकट्ठे होते हैं। कोई मालिक या फिर देने वाला नहीं है। खुद जितना चाहे पियो और बिल भरो। अब तुम पे निर्भर करता है। अगर मैं ना दूं तो? यहां कुछ नियम है जैसे तुम्हारे राज्य दरबार में नियम है। कोई बात नहीं, इस बार मैं भर दूंगा। पियो। ये मेरी तरफ से समझो। ठीक है। तुमने मुझे डरा दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मिस, क्या आप इस दवा खाने में काम करती हैं? नहीं तो तुम करते हो? मैं भी नहीं करता। तो फिर तुमने मुझे क्यों टोका? मैं डर गई ना। वैसे भी चंगन में बहुत से बुरे लोग हैं। तुम कौन हो? मुझे डरा दिया। क्या तुम इस दवाखाने में काम करते हो? देख के तो नहीं लगता। तुम यहाँ क्या कर रही हो, जान सकता हूँ? मैं तुम तो मर चुकी थी, है ना? बिल्कुल नहीं। तुमने ऐसे क्यों कहा? अजीब बात है, मैं जिंदा हूं फिर भी। सुनो, तुम मेरे साथ आ जाओ। कौन हो तुम? मैं क्यों आऊं तुम्हारे साथ? इस तांग वंश में कोई कानून है कि नहीं? क्या यहाँ के लोग ऐसे ही सताए जाते हैं? मिस, क्या तुम ये पेंटिंग वाली लड़की नहीं हो? ये क्या है? नोटिस लाश खोजने की? मैं जिंदा हूँ और सामने खड़ी हूँ। तुम दोनों कितने अजीब हो। दिन में भी तुम दोनों को दिखाई नहीं देता क्या? चंगन इस तरह से नर की तरह क्यों लगने लगा है? तुम दोनों मुझे काली और सफेद भूत की तरह दिख रहे हो। अजीब है। मैं वापस जा रही हूँ मेडिसिन मास्टर वैली। मुझे प्यास लगी है। मुझे भूख लगी है। अंकल गिम्पी। ये एम्पेरियन गॉडेस है, आप इससे अपना बदला ले सकते हैं। ये एम्पेरियन गॉडेस नहीं है। तुम लोग गलत औरत को उठा लाए। मैंने जब तुम्हें देखा तो
तो मैं समझ गया। मुझे तो लगता है कि इसे कुंग-फू भी नहीं आती, या फिर बहुत कम आती है। किसने कहा ये? मैं सब जानती हूँ। मेरे एक्यूपॉइंट रिलीज करो अगर देखना है तो। कैसी बदतमीज लड़की है ये। लड़की तो बहुत प्यारी है, इसे जाने क्यों नहीं देते? अंकल गिम्पी, आप बहुत अच्छे आदमी हो। इस पूरे कमरे में आप ही सबसे अच्छे आदमी हो। सुनिए, आप अगर मुझे जाने देंगे मैं आपका पैर ठीक कर दूंगी। मेरे पैर में चोट लग गई है एम्प्रियन गॉडेस से सालों पहले, इसका इलाज नहीं हो सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। प्लीज आप सभी मुझे जाने दीजिए। मैं सचमुच नहीं जानती हूँ उस लाश के बारे में। यहाँ तक कि मैं पहली बार चंगन आई हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोग कौन हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है ग्रेट आंटी। ग्रेट आंटी, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, फिर तुम्हारा नाम इतना अजीब सा क्यों है? हे, तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? महान चाचा जी, सुनिए। तुम कहां से हो? तुम्हारी कोई बहन भी है? मैं मेडिसिन मास्टर वैली से हूँ, जो माउंटेन क्लीन में है। मेरी कोई बहन नहीं है, पर मेरे 3 भाई हैं, पर वो मुझसे प्यार नहीं करते। मास्टर, ये लड़की एम्पीरियन गॉडेस से बिल्कुल अलग है, वो मैंने देखा। ये कोई भूल हुई है, इसे जाने दीजिए। योर हाइनेस, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं दिखने में। मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। राजकुमार, क्यों ना हम इसे यहीं कैद कर दें और हम सब जाकर सच का पता करें माउंट काइलिन में। क्या मतलब है मुझे कैद करोगे? मैं तुम्हें जहर से मार दूंगी। ग्रेट अंकल, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे एक दोस्त को लाया हूँ, हो सकता है उसे देख के तुम्हें कुछ याद आ जाए। अंदर आ जाओ। मिस जोई। ग्रैंडपा, तुम बहुत दुबली हो गई हो। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैं हो गई हूँ, पर आप मोटे हो गए हो। मैं आपको एक बात बताऊं, द ग्रेट अंकल ये एक पागल है जो लड़कियों को छेड़ता है। अगर ये मुझे कल नहीं छेड़ता तो मैं यहाँ जेल में कभी नहीं आती। ये कितनी अजीब जगह है, मुझे ठंड और भूख लगी है। मिस जोई, ये ग्रेट अंकल कौन है? ये है वो। ये? ये तो बहुत अच्छे आदमी है। ये ली दादा है। ये और अच्छा आदमी। हाँ। तुम जा सकती हो। आ जाओ बाहर। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर तुम मास्टर हीलर हो तो क्या रूप भी बदल सकती हो? नहीं। तो फिर किसी ऐसे को जानती हो जो कि इस काम में माहिर हो? ये तुम दूसरा सवाल पूछ रहे हो। मिस जुई, ली दादा जो पूछ रहे हो उन्हें बता दो, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। बहुत सारे लोगों को रूप बदलना नहीं आता, ये गुप्त विद्या है जिसमें मेडिसिन का सिद्धांत होता है, मास्टर ने बताया था।
सिर्फ एक ही है दुनिया में जिसको ये विद्या आती है। दूसरे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को बेवकूफ बना सकते हैं और उनका नाम है यून मेंग फेरी, पर वो काफी वक्त से कहीं छिपी हुई है। तो ग्रेट अंकल, आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। शायद आप मेरे जवाबों से खुश हो, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? अलविदा। अरे कहाँ जा रही हो? युंगमंग परी, मैंने पहले भी सुना है, मुझे मालूम नहीं था कि वो इस कला के बारे में जानती है। मैंने सुना था उसने लिंगनांग में शादी कर ली थी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि खूनी ने पहले जुई का रूप लिया था और उसके बाद इन लोगों को मारा। ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है? अरे तुम वापस क्यों आ गई? ये क्या लेके आई हो? वाह क्या खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। ली दादा, इसमें तो जहर है, अब हम मर जाएंगे। ठीक है मैं तुम्हें ये देती हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही है। ली दादा, मैं अभी अभी तो जवान हुआ हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, इस दवा को पहले मैं खाऊंगा। अरे मिस जुई, एक दवा और देके जाओ, ली दादा का क्या होगा? अरे जुई, अरे ली दादा। आ जाइए महाराज, किसी ने एम्ब्रियन गॉडेस को देखा है माउंट काइलिन के पास। हुयू का क्या हुआ? अभी तक पता नहीं चला। तुम कुछ आदमी लेके वहां जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जी। आइए सर, देखिए छतरी कैसे दी? कुछ दूसरा दिखाइए। अच्छी है ना? सिल्क है। योर हाइनेस, ली शिमिन अपने आदमी इकट्ठा कर रहा है और माउंट काइलिन जा रहा है। वो लोग वहाँ एम्पेरियन गॉडेस को खोजने जा रहे हैं। आखिर वो उस जाल में फंस ही गया। अब स्वॉर्ड्समैन विला से निकलने पर हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। पहले उन सबको घेर लो, फिर मेरे दूसरे भाई को खत्म कर दो। माउंट काइलिन में घना जंगल है और वहां का रास्ता भी काफी कठिन है, हम उनसे आसानी से निपट लेंगे। हाँ अब बोलो। अगर आपने बांसुरी बजा ली हो तो आप इन्हें प्लीज बचा लीजिए अब। ओके। जल्दी कीजिए। मैं इसे बचा सकती हूँ लेकिन एक शर्त पर। देखो पहले पहले इन्हें बचा लो, फिर तुम्हारी जो शर्त होगी ये पूरी कर देंगे। इन्हें? और अगर हाँ। ये भाग गया तो? हाँ।
मेरे पास एक आइडिया है, सुनो ना। इन्हें पहले जहर से बचा लो, फिर कोई और जहर दे देना जिससे ये 7 दिन में मर जाए, जैसे सोल स्नैचर। क्यों, सही कहा ना? हाँ, ठीक है। ये रही दवा, ये लीजिए, ये रही दवा, खा लीजिए इसे। मिस वे अंग मार भी सकती हैं और साथ साथ बचा भी सकती हैं। मेरे मन में आपकी इज्जत बढ़ गई। मेरे मन में भी। उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कौन सी जगह है ये? यही एम्पीरियन गॉडेस का घर है। एम्पीरियन देवी का घर? तुम आखिर किसे मरवाना चाहती थी? मेरे पुराने पड़ोसी होंगसु को। वो हमेशा मेरी दवा चुराया करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वही उस पेंटिंग में भी थी जो तुमने मुझे दिखाई थी। हो सकता है कि उसके दुश्मन हमसे पहले आ गए हो। मुझे नहीं मालूम, हमें उसे खोजना होगा। मास्टर में, हमें बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? लगता है हम गोल घूम रहे हैं। हाँ। हम इस तरह से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखो वहां से कोई आ रहा है। इधर आओ। इस जंगल में कोई तिलस्मी जादू है क्या? हम यहां से बाहर कैसे निकलें? ये बेचारा तो गूंगा है। मास्टर में, इसे बाहर निकलने का रास्ता पता होगा। मास्टर में, हाँ? क्यों ना इस गूंगे के पीछे चले हम लोग? ये ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तुम आगे आगे चलो। चलो आओ।
ड्रंकर्स टैवर्न, अच्छा नाम है। मास्टर मेई, हम लोग जंगल में रास्ता भूल गए हैं, हमें प्यास भी लगी है और यहाँ वाइन की अच्छी खुशबू है, क्यों ना एक एक जाम हो जाए मास्टर। मुझे लगता है कि हमें सतर्क रहना होगा। आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा मास्टर हुआ कि कहीं हमें यहाँ कोई जहर न दे दे? तो चलो। टांग, ठीक तो लग रहा है ये। फिर इंतजार किस बात का है, मैं भी थका हुआ हूं। मास्टर मैं, मास्टर चलिए पहले मैं पीऊंगा। अच्छी है मास्टर मैं, मास्टर हुआ। कैसी लगी आपको? अच्छी है। अरे नहीं, इसमें तो जहर है। तुम सब लोग यहाँ एम्पेरियन गॉडेस के लिए आए हो? तुम कौन हो तुम? पहचाना नहीं ना? मैं ही क्लान का बड़ा बेटा हूँ, ही रुलॉन। आप लोगों से मिलके खुशी हुई। तुम क्या चाहते हो? युवराज और तीसरे राजकुमार, तुम सब ठीक तो हो ना? मुझे पता चला तुम लोग आज आ रहे हो, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहां चला आया। आ जाओ, उसे यहां लेकर आओ। तुमने देखा, मैंने तुम्हारी मदद की इंपीरियन गॉडेस को मारने में, अब मुझे कैसे धन्यवाद करोगे? ये तो इंपीरियन गॉडेस है, तुम हमें मार देना चाहते हो क्या? पर क्यों? मजली भाई रुको, मजली भाई सही समय पर आए हो, हमने इंपीरियन गॉडेस को तुम्हारे लिए मार दिया। इस तरह तुम लोग ने मेरी मदद की? मजले भाई, हमने तो तुम्हारी बहुत मदद की है और तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? ठीक है तो मैदान में उतरते हैं। तुम दोनों ने इन्हें जहर दिया और अब मुझे मारना चाहते हो, तुम लोग चाहते क्या हो? हम लोग चाहते क्या हैं? तुम्हें मैं बताता हूं क्या चाहते हैं। तुम सारी फौज संभालते हो और हम दोनों को छोड़ दिया है भगवान भरोसे, यही कारण है। बड़े भाई एक बात बताओ, दुश्मन को छोड़ना, मंत्रियों को मारना और भगवान के कहर का नाटक करना, तुम और मेरा तीसरा भाई जिम्मेदार हो इसके। हिरुलॉन,
इन्हें सच बताओ। हाँ, हमने ही किया ये सब। मैं हिरोलॉन हूँ, हिक्लान का बड़ा बेटा। आपको पिछले 15 दिनों से जो भी परेशानी हुई उन सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ। हिक्लान ने लिंगनान में सैनिक इकट्ठा किए हैं और विद्रोह कर दिया, और तुम लोग विद्रोही के साथ हो और भगवान के कहर का नाटक किया। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। मजले भाई, मैं यहाँ का राजा बनने वाला हूँ तुम्हारे मरने के बाद, तब लिंगनान भी हमारा ही होगा, फिर उन्हें विद्रोही कौन कहेगा? हाँ, अच्छा, लिंगनान भी तुम्हारा होगा। तुम लोगों को जरा भी चिंता है पिताजी की? विद्रोही और गद्दार को मौत की सजा मिलेगी। मजले भाई, अगर हम साथ में काम करेंगे तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। दुर्भाग्यवश तुम हमारे साथ नहीं हो, हमारे खिलाफ हो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तुम सब यहां पे हो। अब तुम सबको मैं मार के अपना बदला लूंगा। बड़े भाई, तीसरे भाई, तुम दोनों का खेल खत्म। मेरे साथ पिताजी के पास चलो और उनके सामने सब कबूल करो। अगर चले तो भाई के नाते छोड़ दूंगा और एक जीवन और दूंगा। मजले भाई, शिमिन, तुम देखो, ये जिसके पास तलवार है ये तीसरा भाई है। मेरे पास नहीं है तलवार। हमने दुश्मनों को नहीं छोड़ा और ना ही हमने मंत्रियों को मारा है। इसी ने ये सब किया, यही हमारे पास आया था। हिरोलॉन, क्या तुमने हमें फंसाने के लिए सब किया था? मजले भाई, विश्वास करो मेरा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। उसने किया है और इसने किया है। तुम फिर से? मैं बस जान बचाना चाहता था, पीछे से वार करने के लिए माफी चाहता हूं मैं। Oh!
लीदादा क्या हुआ? अभी भी कुछ स्वॉर्ड्समैन जिंदा हैं, जाओ उन्हें बचाओ। ओके ठीक है। शर्मनाक है ये। तुम दोनों गद्दार हो। महाराज, रॉयल कोर्ट के सभी मंत्री युवराज के पद के लिए वाद विवाद कर रहे हैं। मैं ये बात जानता हूं सन चोंगली, मेरा आदेश जारी करो। चीफ सेक्रेटरी ली शिमिन का व्यवहार बड़ा समझदारी वाला रहा इस पूरे केस के खोजबीन के दौरान, इसलिए आज के बाद उन्हें क्वीन की उपाधि दी जाएगी। युवराज ली जैन चेंग और तीसरे राजकुमार ली युआन जी को पूर्व के महल में नजरबंद किया जाए, वो महल से बाहर नहीं जा सकते। जी। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। ली, क्या आप मेरे बड़े भाई की जगह लेंगे प्रिंस चेन पैलेस में? नहीं, मैं बस एक आम इंसान हूं और कुछ नहीं। राजतंत्र का हिस्सा कैसे बनूंगा? मुझे नहीं लगता कि तुमने खूनी को पकड़ा है। देखो, ये चारों जेल का पुराना नक्शा है, इसमें हर निकास का निशान लगा है और ये भी कि हर जगह कितने सैनिक रहते हैं। तो फिर मैंने बड़े भाई का रिकॉर्ड देखा, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेनल्टी के जेल में 6 बार गए थे। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही है? और वो पत्र जो बड़े भाई ने मुझे देने को कहा था, ये देखो, उन्होंने लिखा कि वो बहुत दुखी थे और बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। ये बात मुझे याद दिलाती है कि नर्क राक्षसों का शहर, जिन्होंने पाप किया उन्हें नर्क में डाला जाता है। जो भी दूसरी दुनिया में नहीं आ पाते हैं उनकी आत्मा हमेशा वहीं रह जाती है। बड़े भाई ने बहुत जाने ली थी और बहुत दुखी थे, वो नरक में भेजे जाएंगे और वहां से कभी नहीं आ पाएंगे। ये बात शायद वो हमेशा महसूस करते थे मरने से पहले, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मेरे ख्याल से राजकुमार शिमिन ने चारों दुश्मन को आजाद किया और इसे तीसरे राजकुमार और कुंदन के गुलाम पर मर दिया। खूनी राजकुमार शिमिन ही है। आप इस तरह से मत सोचिए, आखिरकार आप एक न्याय के देवता हैं। मुझे नहीं मालूम, पर शायद बड़े भाई मरे हैं क्योंकि वो बहुत कुछ जानते थे और उनको मार दिया गया ताकि राज राज रहे। ठीक है, शायद यही उनकी मुक्ति थी।
हराई गए। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, इल्जाम खुद पर लेने के लिए शुक्रिया। यही एक रास्ता है यहां तक जाने का। एम्पीरियन गॉडेस को रूप बदल के ये काम करने को बोलो। तुम अपनी पहचान मत बताना मेरे, कोई भी सैनिक को तुम्हारे बारे में पता ना चले, किन को भी नहीं। ठीक है, योर हाइनेस, इन सब चीजों के बारे में केन को शायद शक हो गया है। वो शायद इसके बारे में जान जाएगा, वो बहुत ईमानदार है, पर वो ये बात कभी नहीं मानेगा कि मैं और ही क्लैन साथ में हो, क्योंकि तुमने लिंगनान में बहुत खून बहाया है। अगर हमें बड़ी जीत चाहिए तो हमें छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना होगा। केन को रास्ते से हटाओ। ठीक है, रुको, केन बहुत शातिर है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। कोई जो उसके बहुत करीब हो वही उसे मार सकता है। योर हाइनेस, जान मई को एम्पीरियन गॉडेस के बारे में पता चल गया है। एम्पीरियन गॉडेस को मार दो और युवराज और तीसरे भाई को बता दो, उन्हें वहां भेजो और सोचने दो कि वो हम सबको वहां मार देंगे। केन को किसने मारा था? पुराने जमाने में जब दो बहादुर चलते थे और जानना चाहते थे कि साथ वाला दोस्त है या दुश्मन, उन्हें युद्ध करके पता लगाना पड़ता था। पिछली बार का हिसाब चुकता। अगर कुछ और पाना हो तो हमें अपना खोना आना चाहिए। किन की दूर दृष्टि नहीं थी, हमें अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है बड़े काम के लिए। मैं सभी के लिए सुख शांति चाहता हूं, मुझे खुद को जोड़ना होगा दूसरी ताकतों से। उत्तर के लोगों की सुख शांति के लिए
मुझे आत्मसमर्पण कराना होगा, जिससे कम जाने जाए राज्य में अभी शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सुलग रहा है। अगर मैं सबकी शांति चाहूंगा तो मुझे दूसरी ताकतों का भी फायदा लेना होगा और दुश्मनों को खत्म करना होगा, पूरे साम्राज्य को जोड़ने के लिए। युफेंग, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? देखिए चीफ, आप मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे चेस के खिलाड़ी हैं आप। पर मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूं और मैं इसी तरह के जीवन का आदी हूं। राजतंत्र में आना ये मुझसे नहीं होगा। फिर भी अगर आपको सबकी जान की इतनी ही परवाह हो रही है तो मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरी ज्यादा जरूरत है। जो इच्छा हो बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मुझे विश्वास। ली शिमिन ने तांग साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई अफसरों को मरवाया, कैदियों को रिहा किया और एक बार खुद अपने पद से हटाया गया। उसकी नीतियां सही थी या गलत, इसका फैसला आने वाली पीढ़ियां करेंगी। पर उसकी नीतियों से तांग वंश चीन का गोल्डन इरा माना जाता है। ये भी सच है कि उसकी नीतियां कई बार कारगर साबित नहीं हुई। फिर भी ली युआन ने अपने सभी बेटों में ली शिमिन को अपना सबसे विश्वस्त माना।